तो एग्जांपल्स बेस्ड ऑन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड फ्रेजनल डिस्टेंस। फ्रेजनल डिस्टेंस अभी हमने किया नहीं है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो प्लीज़ अपने असाइनमेंट में पहले फॉर्मूलाज को बॉक्स में डालो। पहला फॉर्मूला जो इस असाइनमेंट में यूज़ होगा, कंडीशन फॉर nth मिनिमम। हमने क्या कंडीशन की थी nth मिनिमम की? ए साइन थीटा एन लैमडा। क्लियर है यहाँ तक? ऑनलाइन वाले लिख सकते हैं अपनी कॉपी पे चाहे अभी। तो कंडीशन फॉर मिनिमम क्या है? ए साइन थीटा एन लैमडा, राइट। दूसरा फॉर्मूला, कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या था? ए साइन थीटा 2n+1 इंटू लैमडा बाई 2। ये भी क्लियर है? मिनिमम की कंडीशन, मैक्सिमम की कंडीशन। आपने एक चीज़ नोट की, ये कंडीशन वाई डी एस सी से ऑपोजिट हैं, क्योंकि एन लैमडा में उसमें मैक्सिमा होता है, इसमें मिनिमा होता है, राइट। नेक्स्ट है एंगुलर पोजिशन या डायरेक्शन ऑफ nth मिनिमम। देखो ये कंडीशन है मिनिमा मिनिमा की, एंगुलर पोजिशन का ये फॉर्मूला याद करो। ये कहाँ से आया? क्योंकि ए साइन थीटा किसके इक्वल होता है? एन लैमडा। कंडीशन याद है तो ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि साइन थीटा क्या होगा? एन लैमडा बाई ए। एंगल स्मॉल है तो थीटा क्या होगा? एन लैमडा बाई ए। बन गया फॉर्मूला। एंगुलर पोजिशन में तो थीटा होता है ना, तो थीटा की वैल्यू आ गई। क्लियर है यहाँ तक? एन लैमडा बाई ए। तो याद हो गया ये क्या पोजिशन है? एंगुलर पोजिशन है। किसकी? मिनिमा की। फिर डिस्टेंस ऑफ मिनिमा, सेंटर से मिनिमा कितनी दूरी पे है, ये फॉर्मूला याद करवाया था, एन लैमडा डी बाय ए। तो आपको दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सेंटर से कितनी दूरी पे है मिनिमा, ये फॉर्मूला, और एंगुलर पोजिशन क्या है मिनिमा की, ये फॉर्मूला। क्लियर है? नेक्स्ट, एंगुलर पोजिशन मैक्सिमा की क्या होती है, ये फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला आया भी कहाँ से आपको आता है? कुछ भी नहीं करना, जो अभी ऊपर हमने ये फॉर्मूला किया था इसमें ना साइन थीटा को थीटा लिख लो बस। देखो ये फॉर्मूला बन गया सेम। तो एंगुलर पोजीशन ऑफ क्या आ गया? मैक्सिमा। और डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमा एक्स निकालने का ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये भी हमने ड्राइव किया था आज। तो एंगुलर पोजीशन पे क्वेश्चन आएगा या और डिस्टेंस पे भी आएगा। क्लियर है? फिर उसके बाद विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ क्या होती थी, ये मैंने करवाई थी कि अगर ये सेंटर है, ये फर्स्ट मिनिमा है, ये भी फर्स्ट मिनिमा है, तो ये एक्स है तो ये भी एक्स है, तो 2x, ये 2 बीटा लिख रहा है, मैंने 2x लिखा था। तो ये कौन सी विड्थ है? ये लीनियर विड्थ है, लीनियर विड्थ है, 2 लैम्डा डी बाय ए। फॉर्मूला नोट करो, बहुत आता है क्वेश्चन सेंट्रल के ऊपर, सेंट्रल के ऊपर तो मैक्सिमम आने का चांस है, 2 लैम्डा डी बाय ए। तो विड्थ आ गई। फिर ये भी आता है, एंगुलर स्प्रेड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या होगा ऑन आइदर साइड। एंगुलर स्प्रेड का मतलब ये सेंटर है, ये फर्स्ट मिनिमा है, तो ये जो एंगल बनता है थीटा, यानी कि फर्स्ट मिनिमा की एंगुलर पोजीशन जो कि क्या थी, लैम्डा बाय ए। फर्स्ट मिनिमा की एंगुलर पोजीशन क्या होती है, लैम्डा बाय ए। और इसको बोलते हैं स्प्रेड ऑन आइदर साइड। स्प्रेड का मतलब एंगुलर स्प्रेड ऊपर की तरफ कितना है, और अगर आपको निकालना है टोटल एंगुलर स्प्रेड कितने सेंटर का, तो इसको थीटा को 2 थीटा कर देना है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर 2 लैम्डा बाई ए आएगा। क्या ये फॉर्मूला क्लियर है? तो स्प्रेड का मतलब फर्स्ट मिनिमा का एंगल, एंगुलर पोजीशन, और टोटल स्प्रेड का मतलब 2 थीटा। ये रहा, इसके आगे हमने किया नहीं, अगली बार करना है। इसके बेस पे आप जो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 तो क्वेश्चन है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट विड्थ। तो
तो विड्थ का मतलब ए गिवन है, लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा गिवन है, क्या निकालना है हाफ एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। तो एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला क्या था, स्प्रेड। तो एंगुलर विड्थ यानी कि थीटा फर्स्ट मिनिमा के साथ लैम्डा बाय ए। तो आपको लैम्डा पता है, ए पता है। अब प्रॉब्लम यह है कि एंगल छोटा नहीं है इसमें, क्योंकि जब लैम्डा और ए को डिवाइड करेंगे 0.5 आ रहा है। तो आप साइन थीटा को थीटा ना लिखें, साइन थीटा को साइन थीटा लिखें। साइन थीटा इज इक्वल टू 0.5 हाफ, हाफ कब आएगा जब थीटा क्या होगा 30 डिग्री। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि ये वैल्यू कैसे निकालनी है आपको, इसमें क्लियर है ठीक। छोटा बड़े का ऐसे करना है, पहले आप लैम्डा बाई ए कैलकुलेट करना है। अगर तो सही सा नंबर आता है 0.5 हाफ रूट 3/2, फिर तो छोटा नहीं है। छोटा होगा तो 0.000 अपने आप ही आ जाएगा, फिर करना क्या, फिर वही छोड़ दो आंसर, वही एंगल है। करके देखना पड़ेगा, 10 की पावर माइनस में जाएगा फिर, राइट। 46, लाइट जिसकी वेवलेंथ गिवन है, स्लिट विड्थ ए गिवन है, कैलकुलेट एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमम। लैम्डा पता है, ए पता है, फर्स्ट मिनिमम की एंगुलर पोजीशन का फॉर्मूला फिर से लैम्डा बाय ए। पहले लैम्डा और ए पुट करो, फिर से आंसर क्या आ गया हाफ, तो साइन को मत छोड़ना, साइन थीटा हाफ का मतलब थीटा कितना 30, एक आंसर आ गया। और क्या निकालना है, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो फर्स्ट मिनिमा की एंगुलर विड्थ अगर 30 है, तो आप इसके डायग्राम को कैसे इमेजिन करोगे, आप ऐसे इमेजिन करोगे कि अगर ये सेंटर है और ये फर्स्ट मिनिमम है और ये एंगुलर पोजीशन कितनी है 30, तो सेंट्रल पॉइंट की टोटल एंगुलर विड्थ क्या हो जाएगी 30 और 30 मिला के 60। क्लियर है यहाँ तक, तो आपने डबल कर देनी है, जो फर्स्ट मिनिमा की होती है उसको डबल हो जाती है, तो सेंट्रल पॉइंट की एंगुलर पोजीशन आ जाती है। नेक्स्ट है 47 देखें, सेंट्रल पॉइंट पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। माइक्रोवेव ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन, रेक्टेंगुलर स्लिट विड्थ ए गिवन, एंगुलर स्प्रेड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न। आज किया था, टोटल एंगुलर स्प्रेड क्या होता है 2 लैम्डा बाय ए, किया था 2 थीटा, एंगुलर है तो एंगुलर स्प्रेड क्या था 2 थीटा, 2 थीटा क्या था 2 लैम्डा बाय ए। आप फॉर्मूलाज को रेफर भी कर सकते हो, ये देखो एंगुलर स्प्रेड टोटल कितना है 2 लैम्डा बाय ए। तो यहाँ से 2 लैम्डा बाय ए, तो आपको लैम्डा तो पता ही नहीं, आपको फ्रीक्वेंसी पता है, तो सी, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय न्यू, सी पता है न्यू पता है आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक ठीक। क्वेश्चन 48 देखो, सो स्लिट ऑफ विड्थ स्मॉल ए, रेड लाइट की वेवलेंथ गिवन है, आपको स्मॉल ए निकालना है, फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमम का एंगल गिवन है, एंगल का मतलब एंगुलर पोजीशन गिवन है। तो ए साइन थीटा फर्स्ट मिनिमा क्या होता है एन लैम्डा, एन की जगह 1, तो ये कंडीशन आ गई फर्स्ट मिनिमा की। तो यहाँ से ए निकालना है, लैम्डा पता है थीटा पता है आंसर, और ऐसे ही क्वेश्चन निकालना है, फिर से ए निकालो, कब, जब फर्स्ट मैक्सिमा होगी।
तो अब अगली कंडीशन में क्या करेंगे, मैक्सिमा की कंडीशन ए साइन थीटा 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2, तो n की जगह 1 पुट करेंगे तो ए साइन थीटा 3 लैम्डा बाई 2, तो यहाँ से a निकालना है, थीटा आपको फिर 30 डिग्री के बने आंसर। एक बार मिनिमा की कंडीशन, एक बार फर्स्ट मैक्सिमा की कंडीशन ए आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक 49 क्वेश्चन देखो। इसमें इसके अंदर ये जो क्वेश्चन किया था ना माइक्रोवेव वाला, इसके अंदर 2 थीटा डायरेक्टली निकला था, और जब 2 थीटा साइन के बिना निकलता है तो आंसर किस में आएगा, हमेशा रेडियंस में, एंगल स्प्रेड रेडियंस में निकलता है। देखो क्वेश्चन है, लाइट जिसकी वेवलेंथ क्या की बने, लैम्डा, विड्थ का मतलब स्मॉल ए, एंगुलर विड्थ निकालो और लीनियर विड्थ निकालो, प्रिंसिपल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, प्राइमरी मैक्सिमा, प्रिंसिपल मैक्सिमा, एक ही बात है। तो लीनियर विड्थ क्या होती है 2x, एंगुलर विड्थ क्या होती है 2 थीटा, दोनों चीज़ें निकालो सेंट्रल मैक्सिमा की। तो अब और स्क्रीन और स्लिट के बीच में दूरी कितनी है 1.1 का मतलब कैपिटल डी की बने। तो 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, 2 लैम्डा बाय ए, लैम्डा पता है, ए पता है, एक आंसर रेडियंस में, और दूसरा 2x का फॉर्मूला क्या था, 2 लैम्डा डी बाय ए, याद है पहली डेरिवेशन आज यही थी। तो लीनियर विड्थ क्लियर है सेंट्रल की, तो आंसर फॉर्मूला लगाना है इसमें। सेंट्रल पॉइंट के ऊपर बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, आप चेक करो, क्वेश्चन ही ज़्यादातर सेंट्रल पॉइंट पर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, सारी लाइट तो सेंटर पर जाके गिरती है, क्योंकि सेंटर पर आएंगे ज़्यादा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट 50। तो क्वेश्चन है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट 600 नैनोमीटर, तो क्या गिवन है, लैम्डा, फॉल्स ऑन द स्लिट एंड रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन 1.2 मीटर अवे, क्या गिवन है, कैपिटल डी। फर्स्ट मिनिमम इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 mm फ्रॉम द सेंटर, तो फर्स्ट मिनिमम का डिस्टेंस गिवन है, क्या निकालना है, ए निकालना है। फर्स्ट मिनिमम का डिस्टेंस क्या होता है, लैम्डा डी बाई ए, एन लैम्डा डी बाई ए में एन की जगह 1, तो x की वैल्यू लैम्डा डी बाई ए क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या निकालना है, a, d पता है, लैम्डा पता है, x1 पता है, आंसर सही है, मेन तो फॉर्मूला ही है इसमें। 51 पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, क्या गिवन है, लैम्डा, विड्थ ए, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड स्क्रीन कैपिटल डी गिवन है, एंड डिस्टेंस ऑफ सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्क्रीन इज 15 mm,
तो क्या गिवन है इसमें, डिस्टेंस ऑफ सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा, सेकेंड मैक्सिमा की दूरी गिवन है, विड्थ ऑफ द स्लिट निकाल लो। सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा का फॉर्मूला क्या होता है, 2n+1 × λ d/a में n की जगह 2 पुट करेंगे तो ये आंसर आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके a कैन बी कैलकुलेटेड, लैम्डा पता है, d पता है और डिस्टेंस ऑफ सेकेंड मैक्सिमा भी पता है। तो यही इसमें सॉल्व किया हुआ है आंसर 52। फाइंड दी एंगुलर सेपरेशन, कौन सी सेपरेशन, एंगुलर, तो एंगल में कुछ ढूंढना पड़ेगा, बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमम एंड फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू सिंगल स्लिट ए गिवन है और वेवलेंथ गिवन है। तो इसको ऐसे समझते हैं कि ये आपका सेंटर पॉइंट है, ये आपकी स्लिट्स हैं, ये स्लिट है एक, हम सारे एंगल कहाँ से लेते हैं, यहीं से लेते हैं। तो जब यहां से लेते हैं तो सेंटर का एंगल क्या आया, जीरो। सेंटर का पूरा एंगल क्या आता है, जीरो। सेंटर तो क्योंकि एक्सिस के ऊपर ही लाई करता है तो एंगल क्या बनाएगा, एंगुलर, कुछ भी नहीं, पॉइंट की बात हो रही है। अब वो क्या कह रहा है, मुझे एंगुलर सेपरेशन निकालनी है सेंट्रल मैक्सिमम की, तो ये आ गया सेंट्रल मैक्सिमम एंड फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम। तो फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम कहीं यहां पर होगा। फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम में एक बात बताओ, ए साइन थीटा का फॉर्मूला मैक्सिमा का क्या होता है, 2n+1 × कितना, λ/2। तो यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर में n की जगह 1 पुट करते हैं तो थीटा क्या आएगा, 3λ/2a। तो ये एंगल फर्स्ट ऑर्डर का क्या आएगा, 3λ/2a, ये आएगा। आपको दोनों एंगल्स का डिफरेंस निकालना है, यहाँ पे तो एंगल क्या बना, जीरो, यहाँ पे क्या बना, 3λ/2a, दोनों को माइनस कर लो आंसर, ये निकालना है आपको। इसने अलग तरीके से किया, इसने ग्राफ से कर दिया, ये कहता हमने ग्राफ प्लॉट किया था, ये एंगुलर पोजीशन मिनिमा की, मैक्सिमा की, मिनिमा की, ये कह रहा है ये फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम है और ये सेंट्रल मैक्सिमम है, इनके बीच में एंगल 3λ/2a। मेरे हिसाब से इसकी जगह ये ज़्यादा बेटर है, अब क्योंकि माइंड में ग्राफ नहीं आता ना, माइंड में तो ये आता है कि सेंट्रल पॉइंट कहाँ मिलेगा और फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा कहाँ मिलेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा की एंगुलर पोजीशन निकाल दो, सेंट्रल पॉइंट की तो जीरो ही आ गई और दोनों एंगल्स को माइनस कर दो, सीधा आंसर आ गया। क्लियर है यहां तक, ठीक है। 53। तो क्या गिवन है क्वेश्चन में, पैरेलल लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा गिवन है और सेंट्रल मैक्सिमम स्प्रेड्स आउट 30 डिग्री,
सेंट्रल मैक्सिमम स्प्रेड्स आउट 30 डिग्री ऑन आइदर साइड ऑफ इंसिडेंट लाइट. तो सेंटर पॉइंट से एक स्प्रेड गिवन है 30 डिग्री, और ये स्प्रेड किसका होता है? फर्स्ट मिनिमा का, क्योंकि सेंटर के ऊपर क्या आता है? पहला मिनिमा. तो पहले मिनिमा की एंगुलर पोजीशन क्या होती है? लैम्डा बाय ए, और थीटा आपको क्या गिवन है इसमें? 30. तो इमेजिन कर रहे हो, तो अगर मैं ग्राफ या डायग्राम ड्रॉ करूँगा तो ऐसे बनेगा, ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट के ऊपर क्या आता है? पहला मिनिमा, और आपको क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल कितना है अपर हाफ में? 30. फर्स्ट मिनिमा की एंगुलर पोजीशन का ये फॉर्मूला है, आपको इसमें ए निकालना है, तो थीटा को 30 आंसर, एक आंसर. फिर वो अगला पार्ट कह रहा है कि बताओ सेम ए क्या होगा अगर एंगल क्या होगा 90, तो पहले केस में 30, दूसरे केस में 90, दो आंसर आ जाएंगे. एंगल ही तो चेंज करना है सिर्फ, ये नहीं होगा आपसे अभी, ये अपने किया नहीं, 54 रहने दो. 55 होगा. तो क्वेश्चन है, टू वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट, लैम्डा वन लैम्डा टू गिवन है, डिफ्रैक्शन है, अपर्चर स्मॉल ए गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन कैपिटल डी गिवन है. क्या निकालना है? सेपरेशन बिटवीन पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न अटेंड इन टू केसेस. फर्स्ट मैक्सिमा ऑब्टेन होगा एक्स डिस्टेंस पे, है ना, सेंटर पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे, और वो दो डिस्टेंस आएंगे फर्स्ट मैक्सिमा के, क्योंकि लैम्डा इसमें दो दो हैं. तो पहले काम करेंगे, फर्स्ट मैक्सिमा की दूरी होती क्या है? ये दूरी है, एन की जगह वन पुट करेंगे मैक्सिमा की कंडीशन में, तो डिस्टेंस आएगा, करवाया था. तो एक बार लैम्डा की जगह लैम्डा वन तो एक्स वन आ गया, एक बार लैम्डा की जगह लैम्डा टू तो एक्स टू आ गया. वो आपसे इन दोनों का क्या पूछ रहा है, डिफरेंस क्या होगा. तो डी पता है, ए पता है, लैम्डा टू लैम्डा वन पता है आंसर. तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक कि कैसे निकालना है क्वेश्चन? 56. क्वेश्चन है, एस्टिमेट एंगुलर सेपरेशन बिटवीन, देखो आपने एक चीज़ में एंगुलर सेपरेशन बहुत पूछता है, ज़्यादातर क्वेश्चन है ही एंगुलर सेपरेशन पे. तो एंगुलर सेपरेशन बिटवीन फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम एंड थर्ड ऑर्डर मिनिमम, और विड्थ ए गिवन है और वेवलेंथ गिवन है. तो एक काम करते हैं, मैक्सिमम की एक एंगुलर पोजीशन की कंडीशन थी, फर्स्ट ऑर्डर में एन की जगह वन, तो एंगुलर पोजीशन आ गई. मिनिमम की एंगुलर पोजीशन की ये कंडीशन है, कौन सा निकालना है इसमें? थर्ड ऑर्डर, तो एन की जगह क्या? 3. तो एक बार यहाँ पर एन की जगह क्या पुट करेंगे? 3. और फिर दोनों एंगुलर पोजीशन का क्या निकालना है? डिफरेंस. समझ में आ रहा है सारी गेम किसकी है? फॉर्मूला की. ठीक, 57th. तो क्वेश्चन है, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा गिवन है, स्लिट विड्थ ए गिवन है, फाइंड एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम ऑब्टेंड ऑन द स्क्रीन. तो पहला पार्ट तो क्लियर है, सेंट्रल मैक्सिमम की एंगुलर पोजीशन निकालनी है, 2 थीटा 2 लैम्डा बाय आंसर आ गया.
सही है। अगला पार्ट वो कह रहा है एस्टिमेट नंबर ऑफ फ्रिंजेस, नंबर बताओ फ्रिंजेस का कितना है ऑब्टेंड इन YDSC। अब चल क्या रहा था डिफ्रैक्शन, अगला पार्ट किसका पूछ रहा है YDSC में। वो कह रहा है अगर फ्रिंज विड्थ 0.5 mm की है और ये फ्रिंज विड्थ कहाँ अकोमोडेट होनी है, कहाँ फिट करनी है, विद इन द रीजन ऑफ टोटल एंगुलर स्प्रेड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम ड्यू टू सिंगल स्लिट। मतलब वो ये कह रहा है कि इस क्वेश्चन के अंदर इमेजिन करो कि पहला क्वेश्चन डिफ्रैक्शन का चल रहा था, डिफ्रैक्शन के अंदर राइट ये देखो डिफ्रैक्शन के अंदर ये सिंगल स्लिट है, ये आपका क्या था फर्स्ट मिनिमा, ये भी क्या आपका फर्स्ट मिनिमा और ये सेंटर पॉइंट है। आपको याद होगा ये डिस्टेंस कितना है 2x, हमने निकाला था 2λd/a कुछ ऐसा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ये तो डिफ्रैक्शन की बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि इसके अंदर अगर YDSC एक्सपेरिमेंट होता और एक फ्रिंज विड्थ बीटा किसके इक्वल होती 0.5 mm, तो ऐसी कितनी फ्रिंजेस इस मैक्सिमा में फिट इन हो जाती, तो मैं क्या करूँगा 2x को बीटा से डिवाइड कर दूंगा, नंबर ऑफ फ्रिंजेस आ जाएंगी। 2x का फॉर्मूला चेक करना क्या था 2λd/a ऐसा ही था, और इसको 0.5 mm जो भी है कन्वर्ट कर लें, इसे डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ फ्रिंजेस आ जाएंगे। तो मेथड समझ में आ रहा है नंबर ऑफ फ्रिंजेस कैसे करनी है, मतलब जगह लेनी है डिफ्रैक्शन की और फिट क्या करना है YDSC की फ्रिंजेस को। तो पॉइंट समझ में आया यहाँ तक, इसने हालांकि किसी और तरीके से किया है, ज़रूरत नहीं है आप मेरे वाला तरीका यूज़ करो बेस्ट है, तो इसमें हिंट लिख लेना, तो ये करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लिखें इसमें आप 2x को बीटा से क्या करेंगे डिवाइड, तो नंबर ऑफ क्या आ जाएंगी इसमें फ्रिंजेस आ जाएंगे। ठीक, तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, तो इसका मेथड लंबा है, मेरा मेथड सही है एकदम छोटा है। ठीक, इसके बाद के क्वेश्चंस अगले लेक्चर के ऊपर बेस्ड हैं, डिफ्रैक्शन के आज के लेक्चर पे यही क्वेश्चन बेस्ड हैं।